नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पिनर के बारे में। फिजिट स्पिनर नहीं, गाड़ी के स्टीयरिंग पे लगते हैं वो स्पिनर। तो चलिए आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अवनीश और आप देख रहे हैं AR3 ऑटोमोबाइल। आज हम बात करने वाले हैं स्पिनर की। आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो मेरे प्रिय मित्र के साथ हुआ है। मेरे प्रिय मित्र अपने पिताजी के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। उन्हें उनकी गाड़ी में ये स्पिनर लगा हुआ था। उन्होंने 90 डिग्री के टर्न लिया, उनके हाथ से ये स्पिनर टूट के नीचे गिर गया। भला ही उसको 3 या 4 साल से यूज़ कर रहे थे, पुराना भी हो चुका था। अब ये भी जाना पहचाना ब्रांड है आई पॉप। उनका स्टीयरिंग पूरा सीधा हो गया। उनका स्टीयरिंग सीधा होने के कारण वो गाड़ी जाके एक तो पोल से टकरा गई। तो भला कि इसमें चोट तो लगी है, लेकिन क्या करें। और गाड़ी में बहुत गाड़ी पिचक गई, बहुत गाड़ी का नुकसान हुआ। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे गाड़ी में लगाएं। अगर ये नहीं ज़रूरी है तो ये कंपनी अपने खुद अपनी स्टीयरिंग पर डिज़ाइन करके आपको देती है। लेकिन मैं इसलिए आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज ये मेरे मित्र के साथ हुई है, कल आपके साथ ना हो जाए। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका होस्ट अवनीश। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।